दोस्तों आप कल्पना कीजिए कि एक हफ्ते तक आप सिर्फ एक ही ट्रेन के डब्बे में लगातार सफर कर रहे हैं, तो आपको कितनी मानसिक और शारीरिक थकान महसूस होगी। लेकिन मार्स तक का सफर 9 महीने का होगा। एक ही जगह कुछ ही लोगों के बीच माइक्रो ग्रेविटी में ये सफर एस्ट्रोनॉट्स के अंदर स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन पैदा करके क्रू मेंबर्स के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट को पैदा कर सकता है। नेवी में भी सबमरीन के क्रू मेंबर्स को हर महीने स्ट्रेस स्क्रीनिंग टेस्ट से गुजरना पड़ता है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं कोई क्रू मेंबर स्ट्रेस की वजह से साइकोलॉजिकल बीमार तो नहीं हो रहा है। इस टेस्ट में फेल होने वाले क्रू मेंबर्स को कुछ हफ्तों की छुट्टी पर भेज दिया जाता है, ताकि वो अपनी फैमिली के साथ कुछ दिन गुजार के फ्रेश और स्वस्थ महसूस करके वापस ड्यूटी ज्वाइन कर सके। लेकिन मार्स के 9 महीने के सफर के दौरान एस्ट्रोनॉट्स को ये मौका भी नहीं मिलेगा, इसीलिए मार्स मिशन के लिए चुने गए क्रू मेंबर्स को महीनों तक आइसोलेशन में अकेला रखा जाएगा। जो इस टेस्ट में फिट निकलेंगे वही मार्स मिशन का हिस्सा होंगे, और ये मेंबर्स अभी तक के सबसे बेहतर एस्ट्रोनॉट्स भी होंगे।